नमस्कार बच्चों, अध्याय 14 त्रिकोणमिति के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। वही पेज नंबर 298 जो हमारी चल रही थी, 14.3 एक्सरसाइज निकालिए सभी। यस, पेज नंबर 298, इसके एक से पांच तक सवाल हम ले चुके थे बच्चों, आज छठा सवाल हम ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 6। यस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस, बच्चों सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल सही सही उतारिए, टेन थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस की घात 3 दिख रही है यहां पे, कॉस क्यूब थीटा और बराबर में हमें सिद्ध करना है सेक थीटा। यस, जैसा आप लोगों को पिछली बार बताया था, बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, वो राइट हैंड साइड कहलाती है। तो हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसके पास में बच्चों हम इसको ले आते हैं, देखिए क्या फर्क होगा। यहां कॉस क्यूब थीटा हमने लिखा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, इसी तरह से चलेगा। अब बच्चों यहां पे दोनों में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कॉमन, तो इधर से साइन स्क्वायर, इधर से प्लस कॉस स्क्वायर, और बराबर इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और गुणा साइन थीटा। अचानक हमें मालूम चला कि इसका मान तो एक होता है, यहां पे आप लिख भी सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो ये कॉस थीटा ब्रैकेट में एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस थीटा एक तरह से एक से गुणा होके कॉस थीटा ही रहा, है ना बच्चों। और यहां पे हमने कॉस थीटा लघुत्तम ले लिया एलसीएम, तो ये कॉस थीटा, तो इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से ये सर्वसमी का यूज आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो ये एक बटे कॉस थीटा हो गया, और एक बटे कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा, एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और यही हमारे को सिद्ध करना था। तो बराबर राइट हैंड साइड उतार लीजिए जल्दी से, छठा सवाल किसका, 14.3 का, जल्दी से उतारिएगा आप लोग।
यस बच्चों उतारिए जरा, यस डेट आज बच्चों 7 हो गई है, ठीक है ना, तारीख बदल लीजिए। यस उतारिए बच्चों, कुछ बच्चों ने उतारा नहीं, जल्दी से उतारिएगा आप लोग। यस अब छठे के बाद में हम सातवां सवाल लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। और इन सवालों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तभी आसान लगेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि कहां कौन सा सूत्र लग रहा है, कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है ना बच्चों। प्रैक्टिस से आप आसान बना सकते हैं इसे। सवाल नंबर 7 देखिए, सातवां सवाल, कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा और इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बार फिर से देखिए, कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर हमें जो सिद्ध करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आइए आप और हम मिलकर इसे सॉल्व करें। LHS बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड में साथ के साथ बदलाव भी कर रहे हैं आज। 1 माइनस जो टेन थीटा है इसको बदला हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, इधर साइन थीटा ऐसे के ऐसे 1 माइनस कॉट थीटा की जगह लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ऊपर कॉस थीटा ऐसे के ऐसे चल रहा है, नीचे कॉस थीटा लघुत्तम, तो ये बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा लघुत्तम लिया बच्चों तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया इस जगह, और ठीक इसी तरह से यहां साइन थीटा ऐसे के ऐसे और बटे में हमने साइन थीटा लघुत्तम लिया, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जब बटे में बटा होता है ना बच्चों, तो इसका जो कॉस थीटा है ये ऊपर आके इस कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा व्युत्क्रम। कैसे एक बार हम समझा देते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ आए। कॉस थीटा ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर ये साइन थीटा ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस साइन से साइन कट मत कर देना बच्चों, कहीं ये कॉस से कॉस ना हो, ना ये जब प्लस माइनस होता है ना तो ये कट नहीं सकता। इसके आगे की स्टेप हम इधर समझा देते हैं। यस यहां पे ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहां थोड़ी सी एक जरूरी चीज समझनी होगी। अगला जो स्टेप है हम थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा तभी समझ आएगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर समझ नहीं आया। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है ना, और यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, हम चाहते हैं कि यहां पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए, तो इसके लिए हमारे को इधर माइनस कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा? माइनस, उससे वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और वो माइनस यहां कॉमन लिया हुआ इस प्लस को माइनस कर देगा। तो अगला स्टेप क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां प्लस की जगह माइनस हमने कर दिया है, किस लिए?
जिससे साइन माइनस कॉस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए। अब यहां एक ही इसी लघुत्तम से काम चल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। केवल हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे क्या हुआ, यहां से आया कॉस स्क्वायर थीटा और इधर से साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये फॉर्म हो गई, तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस वाला बच जाएगा क्योंकि माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आगे केवल एक स्टेप हमारे पास में और है जो हम यहां बता रहे हैं कि इसके बाद इसके दो फैक्टर हो गए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, इसके कैंसिल होने से केवल क्या रहा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो हमारी आर एच एस है, राइट हैंड साइड है। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही बात है। तो हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से सॉल्व करते 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 आर एच एस में पहुंच गए। जल्दी से आप लोगों को हम वक्त दे रहे हैं, उतार लीजिए इसको सातवें सवाल को। यस बच्चों, उतारने में ध्यान दीजिए। यह था सवाल नंबर सात। आठवां देखिए, यस बच्चों आप लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड भी बढ़ाइए, ठीक है। अब यह अनवरत रूप से जारी रहेगी बच्चों, नाइन्थ के लिए मार्च हम मान के चल रहे हैं, और फिर आप लोगों का टाइम टेबल आएगा तब तक ये हमारी क्लासेस नाइन्थ के लिए चलती रहेंगी। आठवां सवाल देखिए, कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा माइनस वन प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस वन बराबर टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर टू सेक स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। समझिए किस तरह से होगा यह सवाल। यस बच्चों देखिए, यह लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर हम दोनों एलसीएम में ले लेते हैं तो यह कॉसेक स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक सर्वसमीका लग रही है, तो हम इसमें डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं।
कॉसेक थीटा माइनस वन और कॉसेक थीटा प्लस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम ले लिया। तो यहां क्या हुआ, कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस वन आ गया, और इधर कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस वन आ गया। वापस से देखिए, ये कॉसेक थीटा था, एलसीएम में इसके बटे में माइनस वन वाला पार्ट है ना, तो इतनी बार गया, और जब इससे भाग देते हैं तो इतनी बार गया, तो यहां कॉसेक थीटा माइनस वन लिखा। आइए कॉसेक थीटा को दोनों पदों से गुणा करें, तो यहां कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इधर में प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा। वापस से देख लीजिए, ये कॉसेक थीटा इससे भी गुणा हुआ, ये कॉसेक थीटा इससे भी गुणा हुआ, तो एक बार बना कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इधर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये कैंसिल हो गया। और बच्चों बटे में जो चल रहा था उसने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो वो हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर हमने डायरेक्ट इसमें लिख दिया। अब यहां पे ये कॉसेक स्क्वायर और ये कॉसेक स्क्वायर, टू कॉसेक स्क्वायर बन गए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कुछ का कहना है कि सर यहां स्क्वायर नहीं लगाया, तो लगा दिया बच्चों। अब यहां ये जो टू कॉसेक स्क्वायर है ना बच्चों, ये तो क्या बन गया, टू कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हम वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉट स्क्वायर है बटे में, ये व्युत्क्रम होके गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहां तो है ये कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आया क्या, दो बटे कॉस स्क्वायर थीटा, दो बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो दो गुणा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि टू सेक स्क्वायर थीटा, जो हमारी आरएचएस है। उतार लीजिए, एक बार वापस से समझा दें हम आप लोगों को। यहां दोनों पार्ट ही एलसीएम हुए, दोनों पार्ट ही एलसीएम हुए, जब कॉसेक थीटा माइनस वन से हमने इसको डिवाइड किया तो वो गया कॉसेक थीटा प्लस वन बार, वो हमने यहां लिख दिया, और जब इससे भाग दिया तो ये इतनी बार गया कॉसेक थीटा माइनस वन, वो यहां लिख दिया, बाहर कॉसेक थीटा, बाहर कॉसेक थीटा बैठा दिया। एक बार में एक ही काम किया करो। अब ये कॉसेक थीटा को इससे और कॉसेक थीटा को इससे गुणा किया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इधर से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इधर प्लस और माइनस कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर हो गए टू कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप हमने यहां पे बचाई है कि कॉट स्क्वायर को यहां की यहां नहीं लिखा, सीधा व्युत्क्रम में बदल दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, दो बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और आप सभी जानते हैं इसको हम एक बटे कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सवाल की मांग है। तो यह था आठवां सवाल। अब बच्चों एक बात सुनो, अभी एक दो मिनट के अंतराल में है ना, आप लोग इस आठवें सवाल को खुद करना, अगर किसी का थोड़ा बहुत रह भी गया हो ना तो खुद करके अपने आप को चेक करना। आपको याद होगा मैंने मन से कुछ सवाल दिए थे पिछली क्लास में, तो इस बार मन से तो नहीं दे रहे, आप लोग स्वयं यही सवाल खुद करिएगा एक दो मिनट का जो अंतराल हम दे रहे हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम एक दो मिनट के अंतराल में।
एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में लेके हाजिर हैं हम। सवाल नंबर 9 14.3 का नौवां सवाल ये रहा आपके सामने। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और ये सिद्ध कर रहे हैं हमारे को 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के, ठीक है ना बच्चों? ये तो हम एलएचएस और आरएचएस दोनों अलग अलग लेके सिद्ध कर रहे हैं। अगर कभी मजबूरी आए तो साइन को मैंने साइन से गुणा किया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो साइन स्क्वायर थीटा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन कब? जब आप लोगों को कंट्रोल में नहीं आ रहा, नहीं तो एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, वही तरीका बेहतरीन है। आइए लेफ्ट हैंड साइड समझें, ये साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आप लोगों को नजर आ रही है, इसको हम अंश और हर को 1 माइनस कॉस थीटा के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम नहीं बच्चों, ये 1 माइनस कॉस के अपोजिट साइन यानी 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे गुणा करेंगे। पुनः पुनः देखिए, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम खुद गुणा कर रहे हैं ऊपर और नीचे। अंश और हर को अगर एक ही संख्या से गुणा करें तो उसका मान बदलता नहीं है, कर सकते हैं गुणा। तो यहां क्या रहा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे एक बार प्लस और माइनस होने से यहां जो सर्वसमिका लग गई बच्चों, पिछले सवाल में भी लगी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और कभी इस रूप में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां अलग अलग है ना, इसको हम 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और आप लोग सभी जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है। यहां एक ये और लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हमने क्या किया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, इसने कैंसिल कर दिया साइन थीटा बार, तो यहां क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, आरएचएस हमें मिल गई। चले थे हम लेफ्ट हैंड साइड से और पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे बच्चों आप लोगों को, उतारिए जल्दी से ये सवाल, नौवां सवाल। यस बच्चों, ये था सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9
अब देखिए सवाल नंबर 10, बच्चों एक बार हम फिर से याद दिला दें आप लोगों को, इन सवालों को आप अगर नाइन्थ में बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तो टेंथ में इसी तरह के सवाल हैं बच्चों, ठीक है। छठी, सातवीं और आठवीं, ये तीनों एक्सरसाइज त्रिकोणमिति पे आधारित है, तो वो काफी कुछ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी अगर नाइन्थ में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। सवाल नंबर 10, और अब हम पेज नंबर 299 पे आ चुके हैं, 299, 300 बस होने वाला है आंकड़ा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और हमारे को जो सिद्ध करना है वो 2 कॉसेक थीटा, ये सिद्ध करना है, 2 कॉसेक थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें जो प्रूव करना है, 2 कॉसेक थीटा। आइए लेफ्ट हैंड साइड लें, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा दोनों ही एलसीएम में आ गए, तो यहां साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे, इस साइन थीटा से, तो वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब इस साइन थीटा का इस साइन थीटा इसमें भाग देंगे ना, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और 1 प्लस कॉस थीटा बाहर गया, तो वो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वापस से सुन लीजिए, 1 प्लस कॉस और साइन दोनों ही एलसीएम बन के आ गए, जब हमने 1 प्लस कॉस से इसको डिवाइड किया तो साइन थीटा बाहर गया, और साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये प्लस ये रहा प्लस, और यहां साइन थीटा से साइन थीटा एक तरह से कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा गुणा होके होल स्क्वायर बन गया। अब आप लोगों को ये होल स्क्वायर की सर्वसमिका तो आती ही होगी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 नहीं आएगा बच्चों, 2 कॉस थीटा यहां, यहां केवल कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। कुछ बच्चे हमारे केवल इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये बीच का पद भूल जाते हैं वो, तो ऐसे नहीं करना आप लोग। यहां 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये 1 पहले से चल रहा है प्लस 2 कॉस थीटा, और यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे के ऐसे। अब ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 हम चाहते तो यहां पे भी लिख सकते थे, अब ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये ध्यान रखना बच्चों, इस साइन थीटा को इससे गुणा मत कर देना, नहीं तो उलझ जाओगे आप लोग, क्योंकि अब हम इनमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेने से ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां 1 प्लस कॉस थीटा चल ही रहा है, ये 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस से कैंसिल, ब्रैकेट ब्रैकेट से कैंसिल, यहां 2 रह गया बटे में साइन थीटा रह गया। इसके बाद में इधर लिख रहे हैं हम, इसको हम 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये आप लोग सभी जानते हैं 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ये आर एच एस इसकी हो गई राइट हैंड साइड। उतार लीजिए जल्दी से, टारगेट था हमारा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते 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 आर एच एस से पहुंचना था, तो हम यहां पे पहुंच गए, 2 कॉसेक थीटा जो आर एच एस है, इसलिए
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। उतार लीजिए जल्दी से। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। बच्चों इस तरह के सवाल आप खुद जरूर करना। सवाल नंबर 11 और ले लेते हैं हम आज। देखिए सवाल नंबर 11 है, और बच्चों आप लोगों की डिमांड के आधार पे हम इसके उदाहरण भी समझाएंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है बच्चों। तो आप चिंता ना करें, इस एक्सरसाइज के बाद में हम उदाहरण भी लेंगे। रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इसमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये ध्यान रखना नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से, लेकिन वो भी हम वर्गमूल में लेंगे तभी ये गुणा हो पाएगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसे पद होने चाहिए, वर्गमूल में दोनों हैं। तो ऊपर क्या रहा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां क्या हुआ बच्चों सुनो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ने अपना काम किया, और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा हो गया बटे में कॉस थीटा, यही आरएचएस है। वर्गमूल में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, त्रिकोणमिति के न्यून कोण के त्रिकोणमिति मामला है तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है थीटा की, इस हिसाब से हम प्लस माइनस नहीं ले रहे वर्गमूल में। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जो आरएचएस है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था बच्चों। उतार लीजिए, यह था सवाल नंबर 11 है 14.3 का। यह वर्गमूल में था और वर्गमूल में हमने इसको लिया, ठीक है, वर्गमूल के अंदर वाली जो संख्याएं हैं आपस में गुणा हो सकती हैं, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना, और नीचे एक में प्लस और एक में माइनस होने से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ऊपर होल स्क्वायर है। अचानक वर्गमूल की नजर इन दोनों स्क्वायर पे पड़ी और उसने स्क्वायर हटा दी, हटाते ही हमारी आरएचएस आ गई बच्चों। ये था सवाल नंबर 11 है, तो 11 तक आप लोग भली भांति तैयार कीजिए, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।